So, we have talked about the preparation of carboxylic acid from carboxylic acid derivatives. And now, हमने ये एक hydrolysis reaction की बात की, हमने basic hydrolysis की बात की, हमने acidic hydrolysis की बात की, तो that was hydrolysis. Now, we are going to talk about one more reaction of the preparation of carboxylic acid, and that is the reaction, we talk about the preparation from the nitriles. Reaction बहुत simple सा है, and that simple reaction is that we can have the nitrile and we hydrolyze it using dilute acid. हमारे पास है RCN, इसको हम dilute HCl के साथ boil कर दें, so it simply gets hydrolyzed to form RCOOH along with NH3. तो यहाँ पे सीधा सीधा hydrolysis हो जाता है. So that's what we have as one method of preparation of carboxylic acid. Now, यहाँ पर हमने carboxylic acid के preparation की बात की. We have talked about the preparation of aliphatic acids, and now we are going to talk about the preparation of aromatic acids. Aromatic acid, carboxylic acid, बहुत simple सा mechanism है हमारे पास. Let us say हमारे पास एक benzene ring है, along with CH. यहाँ पे हमारे पास बाकी दो groups कौन से हैं? We are not bothered. कोई भी aliphatic groups हो सकते हैं हमारे पास, और हम इसको treat कर देते हैं hot. Hot क्या? हमारे पास है alkaline concentrated KMnO4 along with reflux. कुछ भी हो, that gets converted to form the carboxylate ion. तो सीधा सीधा carboxylate ion में convert हो जाता है. ठीक है? So that is what we have as the method of preparation of carboxylic acid, benzoic acid. ठीक है? Now we have talked about the preparation of carboxylic acid. A preparation of the carboxylic acid के बाद, now we are going to talk about the properties of carboxylic acid. Properties of carboxylic acid में सबसे पहले जो property आ जाती है, that is their name itself, the acidic character. तो चलिए हम carboxylic acid के acidic character की बात करें. जल्दी जल्दी लिखो. हाँ जी, obviously carboxylic acid बना तो preparation ही होगी. हाँ, nitrile बेटा, amine थोड़ी ना, ये cyanide है ये. KCN अगर हमने किया है ना alkyl light से, alkyl light से KCN के reaction से किया है. ये amide से भी बन सकता है, भी करेंगे जैसे जैसे reaction आते चले जाएंगे. ठीक है, सारे रिएक्शन एक साथ तो नहीं कर सकते ना. रिफ्लक्स तो मैं बताया नहीं मैंने. जब वो रिफ्लक्स कंडेंसर लगा के, तुमने पता है रिफ्लक्स क्या होता है? ओके, फाइन. तो ये हमने रिफ्लक्स की बात कर ली, हमने इसके रिएक्शन की बात कर ली. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देयर एसिडिक कैरेक्टर. जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो एक बात सीधी सी समझो, हमारे पास ये आर है, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, और ये ओ एच है. यहां पर जो इक्विलिब्रियम बनेगा, दैट इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी एच प्लस अलॉन्ग विद आर सी डबल बॉन्ड ओ O minus.
एसिडिक कैरेक्टर जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रोंस्टेड लाउरी एसिड्स. ब्रोंस्टेड लाउरी एसिड बाय आर डेफिनेशन इज द स्पीशी विच इज केपेबल ऑफ रिलीजिंग एच प्लस और विच इंक्रीजेज द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो हम सीधा सीधा एसिडिक कैरेक्टर की जो बात कर रहे हैं वो हम वाटर में डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं. क्लियर? वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि वो गैशियस स्टेट में एसिड है या नहीं है या क्या करता है. हम पानी की बात कर रहे हैं, ब्रोंस्टेड लाउरी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं. एच प्लस की कंसेंट्रेशन पानी में बढ़ाना चाहिए, चाहे वो रिलीज करे या ना करे, वी आर नॉट बॉदर्ड. जैसे बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड पानी में जब डालते हैं तो वो एच प्लस रिलीज नहीं करता, वो पानी में से OH माइनस एक्सेप्ट करता है तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ा देता है, तो वो एसिड है. ठीक है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एच प्लस रिलीज करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ प्रोटिक एसिड. ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बिकम्स अ प्रोटिक एसिड बिकॉज इट रिलीजेज एन एच प्लस. ठीक है, नाउ तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली, हमने उसके एसिडिक कैरेक्टर की बात कर ली. अब देखो यहां पर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना हुआ है, दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. ठीक है, यहां पर जब हम इस कार्बोक्सिलेट आयन की बात करते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस की, तो ये बॉन्ड यहां क्लीव हो जाता है, ये बॉन्ड यहां क्लीव हो जाता है और हमें दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, तो हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है आर सी ओ ओ और द नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू ऑक्सीजन. इन दोनों ऑक्सीजन में कोई डिफरेंस नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हाफ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. इज दैट क्लियर? ठीक है, चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा चार्ज उतना स्टेबल होता चला जाएगा. अब जितना ज्यादा, अब एक और बात है यहां पर, बहुत सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा नेगेटिव चार्ज उतना अनस्टेबल होता जाएगा. एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह डाल लो, चार्ज इज अ बर्डन, नो स्पीशी वॉन्ट्स टू हैव द चार्ज. तो चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उतना उसको बियर करना आसान हो जाएगा, जिसको हम स्टेबल बोल देते हैं. इज इट क्लियर? चार्ज, वो एक बार बताओ, अगर आपकी कैपेसिटी 50 किलो वजन उठाने की है, दूसरे व्यक्ति की 25 किलो उठाने की है, देन इन दैट केस आपके ऊपर वजन ज्यादा स्टेबल है, बट डज दैट मीन कि आप उसमें लदे रहना चाहते हो? कंपेयर टू अदर एटम ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, but that doesn't mean oxygen wants the negative charge. समझ आ रही है बात? एक वेट लिफ्टर 100 किलो का वजन उठा सकता है, तो क्या वो कंधे पे 100 किलो का वजन लेके घूमेगा? अंडरस्टैंड दैट. समझ आ रही है बात? हम कई बार किसी व्यक्ति के कुछ काम कर सकने की कैपेसिटी को ये समझ लेते कि हाँ वो करना चाहता है. If a person is a good teacher, it doesn't mean that he enjoys teaching. He goes about the food in that. And maybe a person who enjoys teaching, उसका तुम्हें कुछ समझ नहीं, पता नहीं कहां से कहां कूद गया यार. वो मजे ले रहा है, वो तो अपने में मजे ले रहा है, वो तुम्हें थोड़ी ना पढ़ा रहा है. So that's a different thing altogether. हम कई बार perception ले लेते. तो यहां पर oxygen has a tendency to pull the electron. It is second most electronegative element. But that doesn't mean that it wants the negative charge with it. Clear? Okay. तो जिस भी कारण से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा वो हर कारण इस एनायन को स्टेबल बना देगा. और हमारा इक्विलिब्रियम हमें यह बताता है कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट स्टेबलाइज होता चला जाएगा उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा. अब ये पार्ट तो हर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन है, फर्क किस में आ सकता है? R में. तो अब आपको यह देखना है कि ये आर ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन पुश करता है या पुल करता है. अगर ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है देन इन दैट केस इट्स गोइंग टू मेक द नेगेटिव चार्ज मोर अनस्टेबल एंड इट इज लेस एसिडिक. और अगर ये पुल कर रहा है तो इट इज गोइंग टू मेक इट मोर एसिडिक.
मोर द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बाय वॉट एवर इफेक्ट इट माइट बी, इंडक्टिव है, मेसोमेरिक है, हाइपरकॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, वॉट एवर इट माइट बी. इफ इट्स एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इट्स गोइंग टू मेक द कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्टेबल, and if it is electron pushing group it's going to make the carboxylate ion unstable and less acidic. ye baat samajh mein aa gayi? to ab hum kuch carboxylic acids ki baat karenge. har carboxylic acid mein jo acidic character ka reason hai zyada ya kam hone ka, wo reason alag alag hai. to main bahut zyada question nahi de raha, 7-8 question karenge hum, that's it. you need to arrange these carboxylic acid in the order of acidic character. theek hai? You are going to tell me which are the strong acid, which is the weak acid. ठीक है? Fine. ये टेप लिया आपने, समझ आ गया? तो जल्दी से टेप हो ना. फिर हमें ऑर्डर लिखना है ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स का. सारे तो लिखवा रखे हैं आपको. ये तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बहुत सारे होते हैं. ठीक है? अभी जब मैं ऑर्डर लिखूंगा तो तुम्हें उसमें से कुछ कुछ याद आ जाएगा. अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. बेटा टोटल नाम की चीज ऐसी नहीं होती. एक किताब दोबारा ठंडा करा दूंगा, पूरी किताब है. होगा, वो भी फैक्टर्स होंगे. अभी okay, so let's have the order. First one, hamare paas hai HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH. Theek hai? Second one, CH3CH2CH2CH2COOH. CH3CH2CHCOOH. CH3 भाई क्या हो रहा है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि CH3 को ना तो विड्रॉइंग ग्रुप है ना डोनेटिंग ग्रुप है. ठीक है? ठीक कहूंगा. हेलो, ओके okay. हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये हमें चेक करना है. बात ये होती है कि CH3 ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. फर्क ये होता है कि उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है. अगर CH3 के साथ लगा हुआ है फ्लोरीन तो फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. अगर CH3 के साथ लगा हुआ है मैग्नीशियम या सोडियम तो वो इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा. तो CH3 इज गोइंग टू बिकम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इफ द एटम अटैच टू इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. It's going to become electron donating group if it is more electron negative. तो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है depending on which group is attached to it. For this matter, यहां पर जब हम COOH की बात कर रहे हैं, carboxylic group की बात कर रहे हैं, तो carboxylic group में carbon sp2 hybridized है. पहली बात, sp2 hybridized carbon is more electronegative. दूसरी बात, उस carbon के साथ oxygen जुड़ा हुआ है, तो उस oxygen की वजह से carbon becomes a little more electronegative.
तो CH3 अटैच्ड टू COH बिकम्स इलेक्ट्रॉन पुशिंग, CH3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग नहीं है, CH3 अटैच्ड टू COH बिकम्स इलेक्ट्रॉन पुशिंग। समझ आई बात? इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए कोई एब्सोल्यूट इफेक्ट नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। फाइन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, डोमिनेटिंग ऑन व्हाट, डोमिनेटिंग ऑन व्हाट, मैंने सीधा सीधा ये बोला है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन कि ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है। गुड मॉर्निंग। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये प्लस आई बन जाएगा, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, माइनस आई बन जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन किस ग्रुप के साथ अटैच्ड है। समझ आइए बात? क्या हुआ? COH के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या डोनेट करेगा? लेगा। तो कार्बन इन टर्न दूसरे से कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। देखो बेटा, हमारी एक गंदी आदत होती है, बहुत गंदी आदत होती है, हमसे अगर कोई पूछे कि एक बात बताओ तुम्हें यहां पर आके अच्छा लग रहा है या नहीं, तो हम जवाब देते हैं नहीं अच्छा लग भी रहा है पर थोड़ी सी गड़बड़ है। तुमसे कहता जवाब दो अच्छा लग रहा है या नहीं, ये कोई बात होती है? डू वी एवर गिव अ स्ट्रेट आंसर एवर? सोच के देखो। और फॉर दैट मैटर, डू वी एवर हैव अ स्ट्रेट आंसर? नहीं होता ना। देन When we don't have a straight answer, why do we expect a straight answer? Sir, एक बात बताओ, CH3 electron pushing है या pulling? How do I know? Why do you want to classify everything as good or bad? वो कहते ना, there isn't anything perfectly white or perfectly black. Everything is shades of grey. समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, हर किसी में कुछ बुराई और कुछ अच्छाई होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। अब वो अच्छाई और बुराई भी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो व्यक्ति अच्छा या बुरा, इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको जज करने वाला कौन है। क्या हुआ? नहीं, ये फैक्ट है बेटा, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं वाली बात नहीं है। हु इज देयर टू जज हिम? That decides whether the person is good or bad. Why do we have a written constitution? Why do we talk about the written laws? Why can't we let it on the conscience of the judge? Judge cannot give an answer just by his conscience. Judge has to give the answer according to the interpretation of law. जज को अगर सामने वाले व्यक्ति का पता है, ही इज अ रेपिस्ट, ही इज अ मर्डरर, ही इज अ ब्लडी, ही शुड बी हैंग्ड, ही शुड बी किल्ड ऑन द रोड, जज तब तक सब कुछ जानते हुए जज जजमेंट तब तक पास नहीं कर सकता जब तक उसके पास उस चीज का प्रूफ ना हो। समझे? अगर जज ने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है तो भी वो जजमेंट पास नहीं कर सकता, उसको विटनेस बॉक्स में आके किसी और जज के सामने बोलना पड़ेगा कि आई हैव सीन इट एज अ विटनेस, अदरवाइज वो जजमेंट पास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अदरवाइज सारा का सारा अलग अलग कॉन्शियंस के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है। नाउ हियर वी टॉक अबाउट द कंपाउंड्स। तो अब आप मुझे बताएंगे विच इज मोर एसिडिक, विच इज लेस एसिडिक। ठीक है,
फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। देखो पहले, सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें क्या फर्क आ रहा है, फिर ये देखो कि उस फर्क से क्या फर्क पड़ रहा है, तभी तो आंसर दोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इनमें डिफरेंस क्या है, फिर आइडेंटिफाई उस डिफरेंस से क्या डिफरेंस आएगा। क्लियर? देखो बेटा, मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एंड आई सिंपली डोंट वांट टू इंक्रीज इट। ओनली लाइन, और हर किसी का आंसर देने के साथ साथ हर किसी का रीजन भी दे देना। बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन ऑल सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी लिख लो, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन ऑल सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, ठीक है? तो फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, विच इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड।
नो रीजंस, रीजन बना सकता हूं, लेकिन वो रीजन मेरे को खुद ही पता है कि वो गलत है, क्योंकि बेंजीन में कार्बोक्सिलिक कार्बन को अगर देखोगे तो sp2 हाइब्रिड है, जो थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करोगे तो बेंजीन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो फैक्टर्स ऑपोजिट है एक दूसरे के, वी कांट से विच वन इज स्ट्रॉन्गर, वी कांट प्रिडिक्ट इट, वी कैन मेजर इट नो प्रॉब्लम बट वी कांट प्रिडिक्ट इट। ठीक है, यही तो बोला मैंने। तो सिक्स्थ वाले को आपको याद ही रखना है, और ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है, जब मैंने क्रॉस कार्निजार और रिएक्शन की बात की थी तब भी मैंने आपको यही बोला था कि अगर फॉर्मेट आयन बन सकता है तो बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर है। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस एक्सप्लेनेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू वांट टू गो थ्रू दैट, यू वांट टू हियर इट वंस अगेन, इट्स योर विश, इफ यू वांट टू राइट इट नाउ इट्स योर विश। ठीक है, क्या चला दो, अभी मैं कह रहा हूं ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं चला रहा हूं मैं, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, वैसे ये रिकॉर्डेड भी है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। अब सुनो, व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास HCOH है, CH3COH है, उसके बाद हमारी चेन लेंथ बढ़ती चली जा रही है, अल्काइल ग्रुप की चेन लेंथ जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और इस केस में इसका प्लस साइन इफेक्ट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट। तो दैट इज वाई कार्बन चेन लेंथ जैसी जैसी बढ़ती चली जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांचिंग। अब एक सीधी सी बात देखो कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ट्रैवल करता है, व्हेन इट ट्रैवल्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बीच में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग, उस इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जाएगा। जब हम ब्रांचिंग कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बिटवीन द ग्रुप्स कम कर रहे हैं, तो इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड वीक हो जाएगा। ठीक है, तीसरे केस में मैंने उसके अंदर एक हैलोजन लगा दिया, पहले के अंदर एक भी हैलोजन नहीं है, दूसरे में एक है, तीसरे में दो है, चौथे में तीन है, हैलोजन क्लोरीन है, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इज अ माइनस आई ग्रुप हेयर, हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, और जितने ज्यादा हैलोजन होते चले जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना बढ़ता चला जाएगा। इनफैक्ट जब हम ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड की बात करते हैं, द लास्ट कंपाउंड, उसके अंदर तीन क्लोरीन है, वो तीन क्लोरीन इसे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बना देते हैं, इनफैक्ट सिमिलर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? और ये वाली चीज, एक बड़ी मजेदार सी बात ये है कि ये आपके एनसीईआरटी वाले हैं ना, दे आर सो इंटेलिजेंट, व्हाट दे डू इज दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन सॉल्यूशन चैप्टर, उन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लोरोएस्टिक एसिड हैज अ हायर वैंटॉफ फैक्टर देन एस्टिक एसिड, ध्यान रखना ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्लोरोएस्टिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है और वैंटॉफ फैक्टर इज 1 - α + n-α, तो जितना भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता चला जाएगा वैंटॉफ फैक्टर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक तरीका है, मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ वे टू फाइंड हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड इज। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन के अंदर हमने क्या दिखा है, हमने पोजीशन चेंज की है, फिर से वही बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट ट्रेवल्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, अगर इंटरवीनिंग सिग्मा बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाएगा, इंटरवीनिंग सिग्मा बॉन्ड्स कम हो जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे फ्लोरीन COH के पास होता चला जा रहा है उसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, तो पहले से दूसरा स्ट्रांग है, दूसरे से तीसरा स्ट्रांग है, तीसरे से चौथा स्ट्रांग है। इज इट क्लियर? इसमें सेकेंड, दिस इज द वीकेस्ट, दिस इज द स्ट्रांगेस्ट। ठीक है, सेकेंड वाले में एज वी आर मूविंग अक्रॉस द एसिडिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, थर्ड वाले में इट इज इंक्रीजिंग, फोर्थ वाले में इट इज इंक्रीजिंग, फिफ्थ वाले में अगेन इट इज इंक्रीजिंग। अब हम हैलोजन चेंज कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? देखो सभी में हम अलग अलग तरीके से एक ही फैक्टर को यूज करते चले जा रहे हैं, हर किसी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, सब में आंसर वुड बी इंडक्टिव इफेक्ट, एवरीथिंग आंसर इज इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन कहां पे बढ़ रहा है, कहां पे कम हो रहा है, कहां पे किस वजह से बढ़ रहा है, कहां पे किस वजह से कम हो रहा है, वजह चेंज हो रही है। ठीक है,
नाउ सिक्स्थ वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब सेवंथ वाले के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट। NO2 is a very strong electron withdrawing group through inductive as well as conjugation effect. ठीक है, तो मेटल इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू इंडक्टिव एज वेल एज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहां पर ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। अब जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन इज प्लस एम एंड माइनस आर, और क्लोरीन का मेसोमेरिक इफेक्ट उसके इंडक्टिव इफेक्ट से कम होता है। तो ओवरऑल क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जब ओवरऑल क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो क्लोरो बेंजोइक एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्गर दैन सिंपल बेंजोइक एसिड। जब हम बात करते हैं सी एच थ्री की, सी एच थ्री इज प्लस एम प्लस आई थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, इट्स इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होगा तो वह एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा। जब इसकी बात करते हैं ओ सी एच थ्री, ऑक्सीजन माइनस आई प्लस एम है और इसका प्लस एम इफेक्ट माइनस आई पे डोमिनेट करता है, तो ओ सी एच थ्री वाला इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर और वीकर एसिड देन इवन द मिथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है। इज दैट क्लियर? जब हम एट्थ और नाइन्थ की बात करते हैं, आई थिंक एट्थ और नाइन्थ में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जब हम बात करते हैं एट्थ वाले की, तो एट्थ वाले के अंदर हमारे पास NO2 ग्रुप मेटा पोजिशन पे है, मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता, कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करता, सिर्फ इंडक्टिव वर्क करता है। फिर पैरा है, पैरा पे मेसोमेरिक स्ट्रांगली वर्क करेगा, ऑर्थो में इंडक्टिव और मेसोमेरिक दोनों ही स्ट्रांगली वर्क करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। यहां आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितना NO2 हम बढ़ाते चले जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन? सो दैट्स व्हाट वी हैव एज एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। कुछ पूछना है यहां तक? ओके, Having talked about the acidic character, अब we are going to talk about certain other reactions of carboxylic acids. Now to talk about certain other reactions of carboxylic acid. सबसे पहले जरा सिंपल से रिएक्शन की बात करते हैं, and that is what we talk about the oxidation reaction. Carboxylic acid are not easy to oxidize. In fact, carboxylic acid are the result of oxidation reaction. मतलब अगर किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एच सी ओ ओ एच की, फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट दे देता है, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, टॉलरेंस टेस्ट ये दे देता है। एंड देन वी हैव ऑक्सैलिक एसिड, ये बेयर्स टेस्ट दे देता है, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। जब फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि फॉर्मिक एसिड के अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, नाउ दिस रिजेंबल्स एन एल्डिहाइड,
That is how it is able to give the tolerance test. ठीक है, but Benedict's spellings नहीं देता. ठीक है, okay. तो ये तो था oxidation of carboxylic acid. बाकी तो carboxylic acid को आग लगा दो तो बात अलग है. ठीक है, further. Aldehyde ketone के अंदर हमने carboxylic acid के वो जो reaction थे ना, heating and dehydrating agents, वो सारे के सारे reaction हमने किए हैं. क्या हुआ? Fine. तो वो हमने reactions कर लिए. अब once we have talked about oxidation reactions, now we are going to talk about reduction reactions. ठीक है? And again, the carboxylic acid are amongst the most difficult to reduce. ठीक है, जितने भी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि H2NI, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम अल्कोहल, मेटल एच प्लस, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वर्क नहीं करते. ठीक है, सिर्फ दो चीजें वर्क करती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे, एक BH3 और एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. मतलब अगर हम रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास RCOOH और इसको अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दें तो ये बना देगा RCH2OH. क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं. लेट अस से हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड CHCOOH. ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है पूरी चेन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब इसको अगर LiAlH4 से ट्रीट कर दिया जाए तो ये बना देगा RCH डबल बॉन्ड CH CH2OH. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है लेकिन एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता. ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको H2NI के साथ ट्रीट कर दें तो हमें मिलेगा RCH2CH2COOH. H2NI डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता. ठीक है,
हो गया। ओके नाउ, तो ये हमने इनके रिडक्शन की बात कर ली। ऑफ कोर्स हमारे पास रेड फास्फोरस एच आई तो है ही है, रेड फास्फोरस एच आई इज गोइंग टू सिंपली कन्वर्ट देम इनटू अल्केन्स। ठीक है यार, मेरा छोटा सा ग्रुप है, इसमें भी मुझे कहना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, ओके नाउ, हमने रिडक्शन की बात कर ली, हमने ऑक्सीडेशन की बात कर ली। अब एक नन्ना मुन्ना सा रिएक्शन है जो हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डीकार्बोक्सीलेशन। हमारे पास है RCOOH, ठीक है, इसे हम रिएक्ट करवा देते हैं NaOH के साथ, तो हमें मिल जाता है RCOONa प्लस H2O। फिर इस RCOONa को हम एक और बार NaOH के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो बन जाता है RH प्लस Na2CO3। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है। ठीक है, अब इसको जब लिखा जाता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, वी हैव RCOOH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड विल गिव अस RH प्लस Na2CO3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोडा, दिस इज कॉल्ड लाइम एंड द रिएक्शन इज डी कार्बोक्सीलेशन। तो द रिएक्शन इज कॉल्ड सोडा लाइम डी कार्बोक्सीलेशन। ठीक है, जो एरिएटेड वाटर है उसमें सोडा नहीं होता, उसे हम सोडा जरूर बोलते हैं बट वो सोडा होता नहीं है। ठीक है, उसका सोडा किस लिए नाम दे देते हैं, क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का हम एसिड से ट्रीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसको भी जब खोलते हैं तो इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसके रिलेशन में हमने उसको सोडा बोल दिया, वो सोडा है नहीं। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन की बात की एंड वी टॉक्ड अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेयर इट इज ओ एच बॉन्ड विच इज क्लीव्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी क्लीव हो जाता है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होता है तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन द प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, लेकिन हम जरा कुछ और की बात करेंगे। हमने एसिड एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन कर ली है, हमने एस्टर की प्रिपरेशन कर ली है, दो की रहनी करनी बाकी रह गई है, एंड दैट इज हमारे पास है RCOOH। अगर हम इसको SOCl2 के साथ ट्रीट कर दें या PCl5 के साथ ट्रीट कर दें तो वी आर गोइंग टू गेट RCOCl, द एसिड क्लोराइड। ठीक है, द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। फर्दर, अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर दें या फिर हम इसको एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दें तो एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। एस्टर की प्रिपरेशन हम कर चुके हैं, अल्कोहल। ठीक है, हाँ, अगर हम इसको NH3 से ट्रीट कर दें तो हाँ प्लीज ध्यान रखना यहां पर अमाइड नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा RCOO-NH4+ अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनिया इज अ बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड, तो ये आपस में रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना देंगे। अब अगर इसको हीट कर दिया जाए, हीटिंग दिस इज गोइंग टू फॉर्म अमाइड। ठीक है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है,
And for all happy purposes, carboxylic acid is over. नहीं नहीं अभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की ताली भी बजानी है हमें. तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की. सबसे पहले एसिड क्लोराइड की बात करते हैं. एसिड क्लोराइड आर द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव. इनसे और बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव आराम से बन जाते हैं. जैसे कि हमारे पास है RCOCl. अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें चाहे H+ की प्रेजेंस में और OH- की प्रेजेंस में, वी आर गोइंग टू गेट RCOH, दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ये तो हमने कर दिया था. देन वी कुड हैव समथिंग लाइक RCOCl. अगर हम इसको R-OH के साथ ट्रीट कर दें द अल्कोहल, तो हमें मिल जाएगा RCOOR- द एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर बन जाएगा. फर्दर RCOCl को अगर हम R-COO-Ag+ के साथ ट्रीट कर दें दैट इज सिल्वर कार्बोक्सिलेट, तो यहां पर शराफत से हमें RCOOCOR- मतलब कि एनहाइड्राइड मिल जाएगा. And that could be an unsymmetric anhydride. मतलब यहाँ पास दोनों carboxylic acid different हो सकते हैं, mixed anhydride जिसे बोल सकते हैं हम. ठीक है, वो भी हमें मिल सकता है. Clear? And then we can talk about the preparation with the ammonia, amines. ठीक है, एंड देन वी कैन हैव RCOCl. इसको ट्रीट कर दिया जाए R-NH2 के साथ, तो हमें मिल जाएगा RCONHR-amide. ठीक है ना. देन अब बाकी सारी लिस्ट हमने बड़ी सारी बना रखी है. एसिड क्लोराइड का अगर रिडक्शन करते हैं, रोजनबॉन्ड रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाएगा, डायल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करते हैं तो कीटोन बन जाएगा, अगर हम प्रॉपर रिडक्शन कर देते हैं अल्कोहल बन जाएगा, और फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में ये यूज हो जाएगा. सो ऑल दोज रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, तो अब उनके बारे में और पूछ नहीं खींचेंगे हम. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एनहाइड्राइड. इंपॉर्टेंट थिंग, एनहाइड्राइड के रिएक्शन भी काफी कुछ इसी तरीके से हैं. एनहाइड्राइड्स भी यूज हो सकता है टू मेक द एस्टर्स, टू मेक द अमाइड्स. ठीक है, और एनहाइड्राइड भी फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में यूज हो जाता है. ठीक है, अब चलते हैं एक दो रिएक्शन एनहाइड्राइड के बढ़िया वाले. एक रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं आई थिंक फिनॉल के अंदर, थालीन रिएक्शन किया था हमने फिनॉफ्थलीन का. हमारे पास ये कंपाउंड है, नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड. ठीक है, इस थैलिक एनहाइड्राइड को हम ट्रीट कर देते हैं फिनॉल के साथ in presence of concentrated H2SO4. ठीक है,
And then we get a compound. Now this compound is called Uttiri, huh? This compound is called phenolphthalein because it is phenolphthalein. Aur iska naam kya ho sakta hai? Phenolphthalein? फिनॉल और टैलिन को मिला के ही तो बनाया, और क्या बोलूंगा मैं इसे। ठीक है, अब आज के लिए हम अंतिम रिएक्शन करेंगे। हमारे पास है 'थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड को हम ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ अमोनिया हमें या तो मिल जाएगा, अगर कम अमोनिया है तो हमें मिल जाएगा ये, और अगर ज्यादा अमोनिया है तो हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, ये मिल जाएगा। नाउ इनमें से किसी को भी हम हीट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इमाइड। ठीक है, एंड इन दिस केस इट्स कॉल्ड ठीक है। नाउ इसे हम ट्रीट कर देते हैं KOH के साथ। एक बात का ध्यान रखना दैट द इमाइड इटसेल्फ इज स्लाइटली एसिडिक और अमाइड भी एसिडिक है, तो इमाइड तो और भी ज्यादा एसिडिक क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों ऑक्सीजन से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये आराम से इसके साथ रिएक्ट करता है और हमें मिल जाता है इमाइड वुड हैव नॉट बीन अ गुड न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये जो एनायन बना है दिस विल बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल, दिस एनायन विल बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल। वो एनायन गुड न्यूक्लियोफाइल है तो हम क्या कर सकते हैं,
इसे रिएक्ट कर सकते हैं R X के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां से KX निकल जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट ठीक है। अब इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं, एक इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए और दूसरा इसे ट्रीट कर दिया जाए हाइड्राजीन के साथ। ठीक है, अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो हमें मिल जाएगा थालिक एसिड, अगर NH2 के साथ ट्रीट कर दोगे ये मिल जाएगा, और इन दोनों के साथ हमें मिलेगा अ प्राइमरी अमीन। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फेमस रिएक्शन, इट्स कॉल्ड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन्स। This is Gabriel thalamide synthesis of primary amines.